हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। एक और जनता दवाइयों के लिए तरसती है। दवाइयों की कमी के चलते ना जाने कितने मरीज दम तोड़ देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हालात ऐसे भी है कि बिना एक्सपायर हुई सरकारी दवाइयां सड़क किनारे पड़ी हुई मिलती हैं। हमारी इस रिपोर्ट में प्रशासन की लापरवाही की एक वानगी देखिए और सोचिए जनता कब तक प्रशासन की लापरवाही भुगतती रहेगी। सरकारी अस्पतालों में भले ही किसी को दवाइयाँ मिले या फिर ना मिले, लेकिन यहाँ तो विभाग के पास बाहर फेंकने के लिए भी दवाइयाँ हैं। सुनकर भले ही ताजुब हो रहा हो, लेकिन कुछ ऐसा ही देखा गया गांव सालमखेड़ा के पास हाईवे के किनारे, जहाँ काफी मात्रा में सरकारी दवाइयाँ फेंकी हुई मिली हैं। विशेष बात तो ये है कि इन दवाइयों के एक्सपायर होने में अभी करीब 1.5 साल बाकी है। ऐसे में दवाइयों को यूं फेंके जाना न केवल कई सवाल खड़े कर रहा है, बल्कि ये जांच का विषय भी बन रहा है। अवगत कराए जाने के बाद विभाग ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दवाइयों को कब्जे में लेते हुए जब उन पर एक्सपायरी डेट देखी तो उन्हें भी हैरानी हुई कि आखिर ये दवाइयां यहां कैसे आई। बता दें कि बरामद दवाइयां खुली हुई अवस्था में नहीं थी। देखे जाने के बाद ये सामने आ रहा है कि इन दवाइयों को काफी दिनों से यहां पर फेंका गया है। वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही एसएमओ डॉक्टर भूषण गर्ग ने डॉक्टर रवि कुमार और फार्मासिस्ट सुंदरलाल को मौके पर भेजकर मामले की जानकारी ली। चिकित्सक और फार्मासिस्ट ने जब जांच की तो उनमें काफी संख्या में ओआरएस के पाउच, कैल्शियम और एंटीबायोटिक्स गोलियों के पत्ते, बच्चों के वायरल में इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक दवाइयाँ, लिक्विड दवाइयों की काफी शीशियाँ सहित कई तरह की और भी दवाइयाँ थी। सरकारी दवाइयों को यूं सड़क किनारे बिना एक्सपायर हुए फेंके जाने पर चिकित्सक भी हैरान हो गए कि आखिर ये दवाइयाँ यहाँ आई तो आई, आई कैसे। कल हमें पता चला था, फिर हमने डॉक्टर रवि और सुंदर कुमार फार्मासिस्ट को वहाँ भेजा पट्टी के पास। वहाँ दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ मिली हैं, दवाइयाँ का स्पॉट मेमो बना दिया गया और सीएमओ को लिख दिया गया है, बहुत सारी इकट्ठियाँ करके, और ये पता करेंगे कहाँ से आई है दवाई, किसने घेरी है, सबका स्टॉक चेक किया जाएगा, और जो जिसने दवाई बांटी है वो उन्होंने उसका भी पता किया जाए किसको बांटी है, फिर भी पता चलेगा कि किसने, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वही लोगों को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए जांच की मांग की। उन्होंने विभाग से मांग करते हुए कहा कि इसकी पूर्ण जांच की जाए कि आखिर ये दवाइयां किसको मुहैया हुई हैं और किसने किस उद्देश्य से इन दवाइयों को यहां फेंका है। उन्होंने कहा कि अगर मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वे इसकी शिकायत गृह मंत्री अनिल विज से करेंगे। रास्ते में सड़क के किनारे अंग्रेजी दवाइयां मिली जो जिन पर लिखी थी सरकारी सप्लाई, और वो मैंने देखी तो लिखा था सरकारी अस्पताल की दवाइयां हैं, सरकार की दवाइयां हैं। और हम लोग जब सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो दवाइयां मिलती नहीं, और इन लोगों को दवाइयां फेंकने के लिए सड़क किनारे जगह मिल जाती है। इसके लिए इसकी जांच पड़ताल नहीं हुई तो हम अनिल विज जी से इसकी शिकायत करेंगे। दवाइयां फेंकने के पीछे मोबाइल वैन यूनिट की भी चर्चाएं चल रही हैं। वहीं इस बारे में सीएचसी ओढ़ा के एसएमओ डॉक्टर भूषण गर्ग ने कहा कि ये दवाइयां सीएचसी केंद्र की नहीं हो सकती हैं, क्योंकि यहां पर सभी दवाइयों का पूर्ण रूप से रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर भी हम जांच करेंगे कि आखिर ये दवाइयां यहां कैसे आई। मामला मीडिया तक आने के बाद विभाग ने आखिरकार जांच की बात कही है। सड़क किनारे बिना एक्सपायर हुई सरकारी दवाइयां फेंकी जाना बहुत बड़ी बात है। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या जांच निष्पक्ष तौर पर हो पाएगी या फिर नहीं। सवाल ये भी है कि आखिर क्यों प्रशासन की लापरवाही से जनता को हमेशा दो चार होना पड़ रहा है। हरियाणा न्यूज के लिए कालावली से जगदीश प्रजापति की रिपोर्ट। और कालावली से संवाददाता जगदीश प्रजापति हमारे साथ सीधे जुड़ गया है। जगदीश, एक बार पहले तो ये पूरा मामला बताएं और उसके बाद ये भी बताएं कि आखिर ये दवाइयां आई कहां से, क्या अब तक जांच हो पाई है। जी मनीषा, बिल्कुल हम बात करना चाहेंगे कि दवाइयां कल सालमखेड़ा गांव के पास जो ओडा से डबवाली रोड को जाता है तो वहां मिट्टी के ढेर के पीछे जो काफी मात्रा में पड़ी थी, गांव के लोगों ने जैसे ही देखा तो मीडिया व जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को उन्होंने जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों
मीडिया ने जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फोन किया तो वह मौके पर पहुंचा और देखा कि दवाइयां बिल्कुल काफी मात्रा में पड़ी हैं, और जो दवाइयां बच्चों को पिलाने के काम आती थी, कैल्शियम वगैरह की जो दवाइयां हैं, उनकी एक्सपायरी डेट भी अभी काफी पड़ी थी, जो जुलाई लगभग 2021 में एक्सपायरी होनी थी दवाइयां पड़ी थी। उसको लेकर जब सीएमओ से बात की, एसएमओ डॉक्टर भूषणगढ़ से बात की, तो उन्होंने बताया कि हमने दो डॉक्टरों की टीम जो है भेजी है, और मौका पे वो टीम पहुंची। जैसे ही टीम पहुंची तो उन्होंने कहा कि हमारी सीएससी का जो है लगभग ये दवाई नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं जो बैन के द्वारा ये दवाई हो सकती है कि यहाँ लाई गई हो। जांच जो मीडिया में आने के बाद जांच जो बैठा दी गई है, अभी ये विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि इसकी तह तक जाया जाएगा कि ये दवाइयां किस सेंटर से इशू हुई और किसने यहाँ पर पहुंचाई। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। जी मनीषा, बिल्कुल जगदीश, लेकिन इस पूरे मामले में अस्पताल जो आसपास है, वहां के अस्पताल प्रशासन का, जो वहां पर सरकारी अस्पताल है उस प्रशासन का, क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की? उनका क्या कुछ कहना, क्या दवाइयां वहां की हैं? जी बिल्कुल, हमने जो एसएमओ है डॉक्टर भूषणगढ़, उनसे बात करनी चाहिए, जो ओडा जगदीश, आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही, आपसे फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो दवाइयां वहां आई कहां से, प्रशासन का क्या कुछ कहना है, और जब दवाई के अभाव में कई मरीजों की जान चली जाती है, नौबत ये तक आ जाती है प्रदेश में कई अस्पतालों में, इन सब के बावजूद भी वो दवाइयां सड़कों पर फेंकी हुई है जो अभी तक एक्सपायर भी नहीं हुई है, उनकी एक्सपायरी डेट आज से 1-1.5 साल बाद की है, आखिर ये दवाइयां कहां से आई है? जगदीश प्रजापति संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जगदीश, ये दवाइयां कहां से आई, इस बात की जानकारी कुछ नहीं मिल पाई है, क्या कुछ जांच में पता चला है अब तक? जी मनीषा बिल्कुल, ये दवाइयां, ये तो श्योर है कि सरकारी हॉस्पिटल में है, क्योंकि उन पे लिखा गया है गवर्नमेंट ओनली सप्लाई गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइवेट दवाई नहीं हो सकती है, ये सरकारी हॉस्पिटल की दवाई है। लेकिन अभी तक जो जांच है वो जांच उस तरीके से नहीं हो पा रही है, कि नहीं हुई है कि ये दवाई कहां से आई। अभी तक ये मिलान किया जाएगा किस बैच की दवाई है, किस कहां से इशू हुई। तो उन्होंने डॉक्टर एसएमओ जो डॉक्टर भूषणगढ़ का, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये दवाइयों का बैच है वो मिलाकर हमने सीएमओ को लिख दिया गया है, सीएमओ साहब इसकी जांच करेंगे कि किस कर्मचारी या अधिकारी, किस हॉस्पिटल को हमने ये दवाई दी थी और कि उसने किस कर्मचारी को अलाट की थी और यहाँ कैसे पहुंची, इसकी तय तक हम 1-2 दिन में पहुंच जाएंगे। जी मनीषा, जगदीश, लेकिन आसपास जहां पर ये दवाई हमें मिली है सड़कों पर, उसके आसपास कितने ऐसे अस्पताल है जो सरकारी अस्पताल है, या फिर वहां पर आसपास के क्षेत्र में कितने अस्पताल पड़ते हैं, क्या इस बात की जानकारी मिली है अब तक, इस बात के बारे में अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल मनीषा, अगर बात करें अस्पताल के अस्पताल की, तो सिरसा में जो सीएससी हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल ओडा में है, ओडा बिल्कुल नजदीक पड़ता है। अगर हम सालमखेड़ा की बात करें तो हर गांव में लगभग 10-15 गांव जो नजदीक पड़ते हैं, हर गांव में थोड़ा बहुत छोटे छोटे जो सरकारी हॉस्पिटल है वो बने हुए हैं, कहीं ना कहीं जो एएनएम जीएनएम है वो भी बैठती है, और कहीं ना कहीं ये दवाई जो हमने देखी है कैल्शियम, और बच्चों को जो स्कूलों में दवाई पिलाई जाने वाली है एंटीवायरल के जो जूझ की जाती है, वह दवाइयां जो है लगभग वही दवाइयां देखी जा रही हैं। अभी इसकी जांच है जो 1-2 दिन में क्लियर होगी कि कहां से ये दवाई आई और ये दवाई किसने फेंकी है। बिल्कुल मनीषा, और जगदीश, ये सोचने वाली बात है कि प्रदेश में कई ऐसे अस्पताल है, कई ऐसी जगहें हैं जहां पर दवाई के अभाव में कई मरीजों की जान चली जाती है, और दूसरी तरफ ये तस्वीरें देखने को मिलती है। जाहिर सी बात है, एक बड़ी लापरवाही है, जांच में जो सामने आया कार्रवाई भी बड़ी होनी चाहिए। जी बिल्कुल मनीषा, अगर प्रदेश की नहीं, मैं सिरसा जिला की बात करूं, तो सिरसा जिला के लोग लगभग, हमने पीछे कालावली की बात की, तो कालावली में दिखाया था कि दवाइयां जो है प्रॉपर लोगों मरीजों को नहीं मिल पा रही है, गरीब लोग बिल्कुल कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो कहीं महंगे वापर दवाई लेने को मजबूर है, क्योंकि दवाइयां उनको उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। लेकिन दूसरी ओर जो सड़कों पर गिराने के लिए जो दवाइयां है वो कहीं ना कहीं इनको उपलब्ध हो रही है, ये बिल्कुल जांच का विषय बनता है कि इतना गंभीर विषय है। अगर बात की जाए स्वास्थ्य मंत्री की, स्वास्थ्य मंत्री एक तरफ कहते हैं कि मैं गब्बर सिंह को किसी को बख्शा नहीं जाएगा, आज वो गब्बर सिंह का बैग कहां गया होगा कालावाली में, इस तरह की दवाइयां जो फेंकी जा रही हैं। तो गब्बर सिंह जो हम अगर कहें स्वास्थ्य मंत्री की ओर से, इस पर कोई बयान नहीं आ रहा है, ना उनकी ओर से कोई कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही जो देखने को मिली है, और 2 दिन से अगर इस तरह की बातें मीडिया में आ रही है और खुलकर सामने आया है, तो क्यों नहीं 2 दिन में इतनी जांच हो पाई, ये दवाई कहां इशू हुई और कहां से ये इस जगह पर पहुंच पाई है, इसके लिए जांच क्यों हो पाई जगदीश? क्योंकि लगातार ये मामला हम भी दिखा रहे हैं और मीडिया में मामला सामने आ चुका है
किस स्तर पर विभागीय अधिकारियों की बात पहुंच गई है, क्या स्वास्थ्य मंत्री के पास ये बात पहुंची है, उसके बावजूद भी उन्होंने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, कहां तक पहुंची ये बात अभी? जी मनीषा, अगर बात की जाए तो जब हमारी एसएमओ से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने सीएमओ को लिख दिया है। अगर हम मीडिया के माध्यम से बात करें तो उपायुक्त महोदय और गुप्तचर विभाग के माध्यम से लगभग जो सीमा हाउस तक जो बात पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक जो कार्रवाई की बात है कहीं ना कहीं अधिकारी इसमें टालमटोल करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर जांच की जाती तो इतनी बड़ी बात नहीं है मनीषा, क्योंकि ये दवाई इशू तो गवर्नमेंट की ओर से हुई है। लगभग आजकल तो कंप्यूटराइज दवाई कहां इशू हुई और किसको इशू हुई, एक मिनट का काम था मिलान करना, इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी कि अगर कहां से इशू हुई और किसको मिली, एक मिनट में पता लग जाना था और किसने यहां पहुंचाई है, किसकी ड्यूटी लगी थी, ये दवाई क्यों नहीं गई, अभी तक इसकी तह तक ना जाना कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो जांच का रवैया है वो गोलमोल करने का रवैया नजर आ रहा है। जी मनीषा जी, जगदीश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, जो भी अपडेट हो आप हम तक पहुंचाए, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। दर्शन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, स्थानीय निवासी है। दर्शन, आप जहां पर रहते हैं आसपास जो अस्पताल है, क्या वहां पर हमेशा से ही जो दवाइयां है वो पर्याप्त मात्रा में मिलती है, क्योंकि यहां पर दवाइयां सड़कों पर फेंकी हुई है? दवाई तो मिलती है पर ज्यादातर मरीज तो बाहर से लेते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते हैं जी, पूरी दवाई तो किसी को मिलती नहीं, बोलते हैं हमारे अच्छी दवाई आती नहीं जी। तो अब जो मिलती है देखिए, तो जो अभी तक एक्सपायर नहीं हुई थी वो दवाइयां यहां से मिल रही है, दे रखी है तो, और किसी को यही है जी, आदमी तो हॉस्पिटल के हो सकते हैं, किसी के सरकारी हॉस्पिटल जाते और डाका है जी, तकलीफ होती है, लेकिन दवाइयां सड़कों पर फेंकी हुई है। एसएमओ डॉक्टर भूषण गर्ग हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर भूषण, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। हाँ जी, नमस्कार जी मैडम। डॉक्टर भूषण, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार सरकारी अस्पतालों से ऐसी खबरें आती हैं कि दवाइयां नहीं होती हैं, तो कई दफे तो मरीजों की जान भी चली जाती है, कई बार आप लोग बाहर से लिख देते हैं, लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि सड़कों पर दवाइयां फेंकी हुई है, ये गैर जिम्मेदाराना रवैया। हाँ जी, हाँ जी, ये पता नहीं मैडम किसने फेंकी है, हम पता कर रहे हैं सर, स्पॉट मेमो बना के हमने सीएमओ को भेज दिया सर, चेक कर रहे हैं सबको भी किसकी दवाई है जी, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी जी। डॉक्टर भूषण, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये एक तरफ जहाँ पर आप यही देखिए ना कि कितनी ये कैसी ऐसी स्थिति है कि कहीं एक तरफ लोगों की जान जा रही है क्योंकि उन्हें दवाइयां नहीं मिल रही है, और इतनी गैर जिम्मेदारी प्रशासन की भी हम कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि कोई जांच अब तक नहीं की गई है, कहाँ से दवाई आई, कौन से अस्पताल की दवाई जो फेंकी गई है, ऐसी स्थिति क्यों है? ये पता कर रहे हैं मैंने सबका, कौन से अस्पताल की है, सब पता चल जाएगा मैंने रिकॉर्ड देखकर, पूछेंगे किस किस को दवाई दी है, आगे किसके घर गई है, सबसे पता करेंगे सर कल को। बिल्कुल, आपको ये भी बता दें कि इस पर एक्सपायरी डेट जो आज से एक डेढ़ साल बाद का है, बावजूद उसके दवाइयां फेंकी गई, क्या अस्पताल को भारी लग रही थी दवाई जो इस तरीके से सड़कों पर फेंक दी गई और मरीजों को नहीं दी जाती है? ये गलत बात है जी, उनके विरुद्ध एक्शन लेंगे मैडम। चलिए, पूरी उम्मीद है डॉक्टर भूषण कि एक्शन लिया जाएगा और इस पूरे मामले को देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हरियाणा न्यूज से बातचीत के लिए। तो आखिर अस्पताल के हालात कब सुधरेंगे, जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है उसे कब सुधारा जाएगा, क्योंकि हम ये लगातार देख रहे हैं कि प्रदेश में ऐसे कई अस्पताल हैं जहां पर मरीज जो है वो दवाइयों के अभाव में उनकी जान चली जाती है, कई बार जो मरीज है उनको दवाइयां बाहर से लिखी जाती है क्योंकि अस्पताल में दवाइयां उपलब्ध नहीं होती, और वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर ये भी है जहां एक्सपायरी डेट की दवाइयां नहीं बल्कि जिन दवाइयों में अभी एक्सपायर होने में एक से डेढ़ साल का वक्त है उन्हें भी सड़क किनारे फेंक दिया गया है, जबकि मरीजों को उन्हीं दवाइयों के लिए बाहर भटकना पड़ता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे वापस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे आगे, सवाल ये पूछ रहे कि आखिर हालात कब सुधरेंगे, क्योंकि सरकारी अस्पतालों के हालात वैसे ही कुछ बहुत अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो दवाइयां वहां पर मौजूद होती है कम से कम वो उन लोगों तक पहुंचे जिनके लिए वो भेजी जाती है, जिनके लिए वो बनाई जाती है, लेकिन सरकारी अस्पताल की जो दवाइयां हैं वो सड़क किनारे फेंकी हुई है, और बड़ी बात यह है कि इन दवाइयों की एक्सपायरी डेट आने में अभी समय है, डेढ़ साल का लगभग वक्त है जब ये दवाइयां एक्सपायर होंगी, लेकिन बावजूद इसके सड़क किनारे ये दवाइयां फेंकी हुई मिली है। इसकी जांच की जा रही है कि ये दवाई कौन से अस्पताल की है, कहां से आई है और किसने इस दवाइयों को यहां पर फेंका है, उसके बाद कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। सवाल यही है कि आखिर हालात कब सुधरेंगे, क्योंकि सभी इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। एक तरफ हम ये देखते हैं कि प्रदेश को स्वस्थ करने का दावा किया जाता है, प्रदेश को बेहतर बनाने का दावा किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर कुछ ऐसी है।
डिप्टी सीएमओ डॉक्टर विनेश भूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर विनेश, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। जी थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, इन तस्वीरों में ये है कि जो दवाइयां हैं सरकारी अस्पताल की, वो सड़क किनारे फेंकी गई है। दूसरी तरफ तस्वीर प्रदेश में ऐसी होती है कि दवाइयों के अभाव में लोगों की जान तक चली जाती है। इस तस्वीर से आप क्या समझ रहे हैं? अभी तक जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी, उसके साथ ही जो हमारे लोकल वहाँ के सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं और जो फार्मासिस्ट हैं, वो मौके पे पहुंच गए थे और उन्होंने दवाइयां अपने कब्जे में ले ली हैं। और अभी हमारे पास रिपोर्ट आते ही उसके ऊपर हम देखेंगे कौन से स्टॉक की दवाइयां हैं, कहाँ से इशू हुई थी, उसके बाद सारी कार्रवाई अमल में लेके आई जाएगी। डॉक्टर विनेश, क्या आप इस बात का आश्वासन देंगे कि इस पूरे मामले में, इस पूरे जो प्रक्रिया है, इसमें जो भी दोषी पाया जाता है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी? अगर कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी, कोई डॉक्टर इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उसे निलंबित किया जाएगा? हमारे पास सिरसा के अंदर ये रेपुटेशन है जी, हम कभी भी किसी को छोड़ते नहीं है। अगर कोई हमारे पास आएगा तो सख्ती से कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर विनेश हरियाणा न्यूज से बातचीत के लिए। तो ये आश्वासन दिया गया है डॉक्टर विनेश की तरफ से, डिप्टी सीएमओ की तरफ से, कि जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, निलंबन किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा है कि जो भी दोषी होगा उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में जांच कब तक चलती है और कब उन लोगों का पता चलता है जिन्होंने सरकारी अस्पताल की इन दवाइयों को सड़क किनारे फेंक दिया है, जबकि अभी दवाइयों के एक्सपायरी डेट में समय बचा हुआ है। क्या इन दवाइयों का काम नहीं था और इनको क्यों सड़क पर फेंका गया, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। कालावली से विधायक शीशपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शीशपाल जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। शीशपाल जी, आपके ही क्षेत्र में अस्पताल में दवाइयां अगर मौजूद नहीं होती हैं तो लोगों को परेशानी होती है, लेकिन कुछ दवाइयां हैं जो सड़क किनारे फेंकी हुई है, क्या आपके संज्ञान में ये मामला है? देखिए, मुझे अभी आपके द्वारा इस बात का पता चला और मैं तो पिछले 3 महीने से 2 बार तो गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से मिल चुका उस मामले में कि ये सफेद हाथी बना हुआ है जो कालावाली का हॉस्पिटल है, ना वहाँ डॉक्टर है ना दवाइयां, और जो दवाइयां है भी तो उसका भी ठीक से प्रयोग नहीं हो रहा। तो सरकार की तरफ से इसको बिल्कुल अनदेखा किया हुआ है कालावाली को, और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो तो बद से बदतर है। शीशपाल जी, क्या स्वास्थ्य मंत्री से आपकी बातचीत हुई कोई इस बारे में? हाँ, मैंने उनको लेटर भी दिया है यहाँ की सेवाएं पूरी करने के लिए, और मैंने इस मुद्दे को इस बार विधानसभा में भी क्वेश्चन लगा था मेरा, उसमें भी बखूबी उठाया और स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया है सदन के अंदर कि अगले 2 महीने के अंदर हम इसको पूरी पूर्ण तरीके से इसको लागू कर देंगे। जो सीएचसी है, ये सीएचसी आज के दिन है ही नहीं, और जिस प्रकार की आज की ये घटना है इससे तो ये लगता है कि लोगों को मरने के लिए इन्होंने छोड़ रखा है, और हरियाणा सरकार स्वास्थ्य के जो मुद्दे हैं इस पर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। शीशपाल जी, आपको स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन तो दिया कि 2 महीने में स्थिति बेहतर होगी, लेकिन जिस मामले की हम बात कर रहे हैं, इस मामले में जांच की जा रही है, अगर आपके संज्ञान में मामला नहीं तो आप इसमें जांच करवाइए और जो दोषी पाया जाता है उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और मैं अभी आपके माध्यम से जो मेरे संज्ञान में आया है, मैं आज ही अभी अपने साथियों के सहित इस पे जो अगली कार्रवाई हमने क्या करनी है उस पे हम तत्काल हम हमारी तरफ से अभी कार्रवाई करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया शीशपाल जी आपका हरियाणा न्यूज से बातचीत के लिए। शीशपाल जी विधायक जुड़े थे कालावली से, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले में जांच कराई जाएगी और जल्द से जल्द जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में और खासतौर पर कालावली में जिस तरीके से स्थिति हमने देखी है, वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की है विधायक जी ने, और उन्होंने ये कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि बेहतर किया जाएगा 2 महीने में स्थिति को। स्थिति कितनी बेहतर होगी इसका इंतजार होगा, ये देखना होगा। और साथ ही इस पूरे मामले पर जहां सड़क किनारे सरकारी अस्पताल की दवाइयां फेंकी गई है, इस मामले में कब जांच पूरी होगी, कब कार्रवाई होगी, इसका भी इंतजार होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।